हेलो गाइस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज आपका स्वागत है ट्यूजडे टिफिन टेल्स के एपिसोड 6 में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेंजो। बेंजो इज बेसिकली बन ऑमलेट, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है फटाफट हम रेसिपी में देखेंगे। एक इंदौर इंस्पायर्ड है, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा टिफिन। तो आइए चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। बेंजो बनाने की शुरुआत हम ऑमलेट बनाने से करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, इन दोनों को हम फोड़ लेंगे। अब हम इन्हें विस्क करेंगे। विस्क करने के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड बीटर या फोर्क भी यूज कर सकते हैं। बस याद रखिए विस्क करते समय इसमें 1 चम्मच दूध डालना है, इसे बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा और ऑमलेट बहुत बढ़िया बनेगा। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। अब हम इन फिटे हुए अंडों में डालेंगे सब्जियां जो हमने चॉप करके पहले से रखी हुई हैं, जिसमें है प्याज, हरी मिर्च, धनिया और अदरक। मसालों में डालेंगे हल्दी, नमक, जरा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम हल्के से मिला लेंगे क्योंकि हमारे एग्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हम ये बैटर पैन में डाल देंगे, इसे हम फोर्क से फैला देंगे। अब हम इसे तकरीबन आधा मिनट के लिए पकने देंगे एक तरफ से और फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। इतने हम बन के 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मीठा बन लिया है। बेंजो का असली मजा मीठे बन के साथ में ही आता है। ऑमलेट को हम दबा के अच्छे से पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। ये देखिए हमारा ऑमलेट बहुत अच्छे से पक चुका है, दोनों तरफ से काफी फ्लफी बना है। अब हम ऑमलेट को अलग निकाल लेंगे और इसी पैन में हम बन सेकेंगे ताकि इसमें जो घी लगा हुआ है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर इन बन्स में आ जाए। अब बन में मैं डाल रही हूँ जरा सी मेयोनीज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, चीज यूज कर सकते हैं। मेयोनीज को हम स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इस ऑमलेट को इस बन पे प्लेस करेंगे, ये बिल्कुल इस तरह से। इसके ऊपर मैं कुछ टमाटर लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो खीरा या प्याज भी लगा सकते हैं। भाई देखिए हमारा बेंजो बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बेंजो बना है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है ऑमलेट। हम टिफिन लगाते हैं तो सबसे पहले जा रहा है बेंजो। एक्चुअली ये हाफ ही काफी है, बट ये बिल्कुल बच्चों के एपेटाइट पर डिपेंड करता है। साथ में मैं रख रही हूँ एक छोटा सा बेसन का लड्डू, ये होममेड है, आप इसकी रेसिपी भी चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने तिल डाला था, इसमें तिल नहीं डाला हुआ है। साथ में है मटरी और फ्रूट्स में है बनाना। और इसी के साथ में हमारा बेंजो वाला टिफिन बिल्कुल रेडी है। सो गाइस ये भी बेंजो की रेसिपी, बड़ा ही फटाफट बनने वाला टिफिन है ये, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। और आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ऑमलेट आप रखे हैं वो प्रॉपर पका हुआ हो। बहुत से लोगों ने पूछा था मेरे से कि क्या वो ऑमलेट टिफिन में दे सकते हैं या एग्स टिफिन में दे सकते हैं। बिल्कुल आप टिफिन में एग्स एंड ऑमलेट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अच्छे से पका हुआ हो। बॉइल्ड एग में तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ में।